हेलो दोस्तों, मैं हूँ विलास चतुर और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक ऑटोकैड में अपन देखने वाले एरे ऑप्शन। एरे का कैड में बहुत सारा यूजेस होता है, बहुत जगह पे एरे यूज किया जाता है। तो एरे कैसा यूज करना है, एरे में कितने टाइप्स है, वो आज अपन सब डिटेल्स में देखने वाले। तो चलो चालू करते हैं अपन आज का टॉपिक। एरे में देखेंगे तो दो टाइप के एरे होते, एक होता है आपका पोलर एरे और एक होता है आपका रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे जो ड्रॉ किया जाता है वो आपका रो एंड कॉलम में किया जाता है। तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल निकाल लेता हूँ, समझो। तो रेक्टेंगल निकालने के लिए मुझे डायमेंशन देना पड़ेगा, समझो मैं 10x10 का एक रेक्टेंगल निकाल लेता हूँ। ओके, यहाँ पे रेक्टेंगल बहुत छोटा गया, इसको थोड़ा जूम करके बड़ा कर देता हूँ। मैंने एक 10x10 का रेक्टेंगल निकाल लिया। अब इसको एरे में मुझे उसको यूज करना है या उसका एरे निकालना है। तो मैं एरे में क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट बटन क्लिक करूंगा। फिर जैसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट बटन क्लिक करेंगे या तो स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपको एरे बन जाएगा। अभी इसमें आपकर आप चाहते हैं क्या रो और कॉलम बढ़ाना है मुझे, तो आपको कॉलम्स के लिए COL टाइप करना पड़ेगा। जैसे आप कॉलम्स बढ़ा सकते हैं, अभी वर्टिकल जो होते वो कॉलम्स होते और हॉरिजॉन्टल जो होते वो रो होते। तो अभी 4 कॉलम्स है, अगर आप चाहते हैं कि कॉलम मुझे बढ़ाना है तो आपको यहाँ पे कॉलम के अमाउंट डालना है, कितना कॉलम चाहिए। जैसे मुझे 10 कॉलम चाहिए, तो देखो 10 कॉलम आ गए। अभी उसके बाद आपको पूछ रहा है दो कॉलम के बीच में आपको डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मतलब आपने जो कॉलम निकाला दो ये इसके दो कॉलम के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। अभी अपना जो रेक्टेंगुलर है वो 10x10 का है, तो ऑब्वियसली आपको जो डिस्टेंस लेना है ये आपके रेक्टेंगल के उससे ज़्यादा लेना है। तो जैसे अभी मैंने डाल देता हूँ 20, तो देखो 20 डिस्टेंस दो कॉलम के बीच में आ गए या दो पॉइंट के बीच में 20 डिस्टेंस आ गए। उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि रो चेंज करना है तो आपको R प्रेस करना पड़ेगा, तो आपको रो के अमाउंट पूछ रहा है, आपको रो कितनी चाहिए वो भी मैं डाल देता हूँ 10। देखो 10 रो आ गए। फिर उसके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए दो रो के बीच में, वो भी आपको यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे भी मैं 20 डाल देता हूँ। तो देखो आपका 20 कॉलम्स और 20 रो बन गया है। तो इसी तरह से आप कोई भी चीज़ रो और कॉलम में यूज करने के लिए आप एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप उसको रो और कॉलम में यूज कर सकते हैं। अभी अगर आप चाहते हैं क्या खाली मुझे कॉलम्स में चाहिए या रो में चाहिए, मतलब इंडिविजुअली चाहिए, पूरा दोनों साथ में नहीं चाहिए, तो अभी फिलहाल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी मुझे सिंगल यूज करना है, तो जैसे देखो लाइक मैं एक लाइन ले लेता हूँ। अभी मैंने ये लाइन ले लिया, समझो। अभी इसको मुझे वर्टिकल में चाहिए, तो मुझे किस में आ जाएगा, ये रो में आएगा कॉलम में आएगा, तो ये चीज़ आएगा मेरा रो में, क्योंकि वर्टिकल रहेगा तो कॉलम हो रहेगा, ये मेरा रो का है। तो उसके लिए मुझे एरे में क्लिक करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट बटन क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे रो के लिए R प्रेस करना पड़ेगा, और मुझे चाहिए 10 लाइंस और दोनों के बीच में डिस्टेंस चाहिए 15 का। तो देखो 10 लाइन आ गए, लेकिन कॉलम मुझे एक ही चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक कॉलम डाल देता हूँ, COL कॉलम डालूंगा, और यहाँ पे 4 के जगह पे मैं एक ही डाल दूंगा। तो देखो मेरा सिंगल कॉलम बन गया। अगर मेरा वर्टिकल लाइन से तो फिर मुझे कॉलम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, रो में एक ही ले लूँगा। जैसे मैंने एक लाइन निकल लिया, एरे में क्लिक कर दिया, लाइन को सिलेक्ट करके राइट बटन या स्पेस बार बटन प्रेस कर दिया। अभी मुझे चाहिए कॉलम, तो कॉलम के लिए मैंने COL टाइप कर दिया। अभी मुझे चाहिए 10 कॉलम्स और दोनों के बीच में चाहिए 20 का डिस्टेंस, लेकिन अभी रो के लिए मुझे रो एक ही चाहिए, तो रो मेरा 0, मतलब रो मतलब मेरा 1 आ गया। तो इसी तरह से मैं सिंगल का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ कि मुझे ओनली रो निकालना है या ओनली कॉलम्स निकालना है। इसी तरह से अगर आप एरे का इस्तेमाल राउंड में करना चाहते तो इसके लिए पोलर एरे बोलते हैं। लाइक जैसे मैं एक यहाँ पे एक सर्कल निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे उस सर्कल के बीच में और एक सर्कल निकाल लेता हूँ। अभी इस सर्कल को मुझे यहाँ पे रोटेट करना है, 10 सर्कल चाहिए इस सर्कल के ऊपर मुझे,
तो इसके लिए मैं एरे में क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे लास्ट में अपने को पोलर एरे दिया है, इसको पोलर एरे को मैंने सिलेक्ट कर दिया। फिर मेरा जो ऑब्जेक्ट है जिसको मुझे रोटेट करना है उसको सिलेक्ट करके मैंने राइट बटन क्लिक कर दिया। फिर मुझे ये सर्कल का सेंटर पॉइंट क्लिक करना है, मतलब मुझे एरे का सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करना है। मैं एरे का सेंटर पॉइंट क्लिक कर दिया तो यहाँ पे मुझे ये 6 सर्कल्स आ गए। तो अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे आइटम्स में मतलब आई प्रेस करके इंटर दबाना पड़ेगा, तो आई प्रेस करके इंटर दबाना पड़ेगा। तो मुझे अभी 6 सर्कल से इसके जगह पे मुझे चाहिए 10, तो मैं 10 दे दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे 12 चाहिए तो मैं 12 दे सकता हूँ, जितने चाहिए उतने मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। तो एंटर दबाएंगे मेरा फाइनल हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर कोई भी चीज़ अगर आप चाहते कि मुझे राउंड में चाहिए तो उसके लिए आपको एरे में पोलर एरे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके स्पेस बार बटन प्रेस करना है, राइट बटन क्लिक करना है, उसका सेंटर पॉइंट क्लिक करना है, फिर आई प्रेस करके एंटर दबाना है और फिर आपको कितने चाहिए वो आपको टाइप करना है। तो उसी तरह से ये आपका पोलर एरे बन जाएगा। अगर आप चाहते कि ये एंगल टू बिटवीन मतलब इसी एंगल के अंदर ये फिल होना चाहिए, तो चलो वापस मैं एक सर्कल निकाल लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे एक लाइन निकाल लेता हूँ। अभी मुझे अगर फिल टू एंगल करना है तो F टाइप करके एंटर दबाना पड़ेगा और 360 जगह पे मैं टाइप करूँगा 180। तो 180 टाइप करेंगे तो ये हाफ में आ जाएगा क्योंकि अपन ने 180 दिया। तो मुझे यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है फिल एंगल तो F टाइप करके एंटर दबाना है। अभी अपन ने दिया है 180, अगर मैं यहाँ पे 270 देता हूँ तो ये 270 में हो जाएगा। अगर मैं इसको 360 में देना चाहता हूँ तो वापस मुझे F टाइप करके 360 टाइप करना पड़ेगा तो 360 में आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है एंगल बिटवीन मतलब कितने एंगल में इसको यूज करना है, तो ये टाइप करके एंटर दबाना है और यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा मुझे समझो 20, तो 20 लाइन के अंदर 20 का एंगल आ जाएगा। जैसे अपन उसको काउंट करके देखेंगे कि 20 का एंगल है का, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो 20 का एंगल है। तो इसी तरह से मैं दो लाइन के बीच में कितना एंगल चाहिए ये भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ। तो इसी तरह से आप एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कैड में। बहुत सारे जगह पे कैड में एरे का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो आप अच्छी तरह से इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर वापस मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।